दोस्तों इस वीडियो में हम रूम हीटर के थर्मोस्टेट और थर्मल कट ऑफ को रिपेयर करना सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अशोक अटैक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मेरे रूम हीटर वाले इस वीडियो में कई कमेंट आए जिसमें इस समस्या के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसके यूज के बारे में और फिर देखेंगे फॉल्ट रिपेयर करना। दोस्तों काफी यूजर को थर्मोस्टेट के वर्क करने के बारे में नहीं पता होता। उनको ये तो पता होता है कि ये हीट बढ़ाने और घटाने के लिए है, लेकिन वो समझते हैं इसको बढ़ाने पर हीटर ज्यादा हीट देगा और इसको घटाने पर कम हीट देगा, जैसे फैन रेगुलेटर काम करता है। तो जैसे उनको हीटर मिलता है वो उसको उसी सेटिंग पे प्लग इन करके यूज करना शुरू कर देते हैं। जब हीटर चालू होता है तो यूजर को दिखता है कि यार हीट तो ये अच्छी दे रहा है, तो और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब हो सकता है कि हीटर आपको बिल्कुल लो सेटिंग पर मिला हो और इसीलिए वो थोड़ा सा हीट होने पर कट ऑफ हो जाता हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, हमारी शॉप पर भी कुछ कस्टमर इस तरह की प्रॉब्लम लेके आ चुके हैं। तो सबसे पहले आप थर्मोस्टेट को फुल पर करके देखें, अगर फिर भी हीटर बार बार ट्रिप कर रहा है तो फिर प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल के लिए हम ये रूम हीटर ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम थर्मोस्टेट कैसे काम करता है वो देखते हैं। इससे आपको थर्मोस्टेट के बारे में पूरी नॉलेज मिलेगी और इसी में हम थर्मोस्टेट में आने वाले फॉल्ट को बिना थर्मोस्टेट के चेंज किए कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी देखेंगे। दोस्तों रूम हीटर चाहे जैसा भी हो, उसका थर्मोस्टेट किसी भी डिजाइन का हो, पर उसका वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है। किसी भी थर्मोस्टेट का मेन पार्ट होता है ये बायोमेटल की पत्ती। दोस्तों इस मेटल की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि गर्म होने पर ऐसे थोड़ा बेंड होती है और ठंडे होने पर अपनी सेम पुरानी पोजीशन पर लौट आती है। थर्मोस्टेट की असेंबली में एक और फ्लेक्सिबल मेटल की पत्ती लगी होती है जो एक फिक्स टेंशन पर आने पर ट्रिगर करती है और उसी से हीटर के कनेक्शन जुड़े होते हैं जिससे वो ऑन ऑफ होता है। और ये जो घुमाने वाली नोब है ये बिल्कुल एक स्क्रू की तरह है, जैसे स्क्रू राइट साइड में घुमाने पर अंदर जाता है और लेफ्ट साइड में घुमाने पर बाहर आता है, ये भी सेम वैसे ही है। इसे अंदर बाहर करके हम इस पत्ती का जो एक फिक्स ट्रिगर पॉइंट है कि ये इतनी टेंशन होने पर ट्रिगर करेगी, उसको हम थोड़ा ऊपर या नीचे कर सकते हैं। देखिए आपको बताने के लिए मैं इस डायग्राम का यूज करता हूँ जिससे आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। ये है हमारी बायोमेटल की पत्ती, ये है इसकी कूल पोजीशन और ये है इसकी मैक्सिमम हीट पोजीशन। इसको मान लेते हैं 30 डिग्री। ये बस एग्जाम्पल के लिए है, ये सभी इक्विपमेंट में अलग अलग हीट पर सेट होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक कैटल में और कपड़े प्रेस करने वाली आयरन में। और ये है हमारी फ्लेक्सिबल वाली पत्ती जो कनेक्टिंग पॉइंट को ट्रिगर कराती है। और ये है वो नोब जिसे घुमाकर हम टेम्परेचर को कम या ज्यादा रखने के लिए यूज करते हैं। ये एक स्क्रू की तरह काम करती है, जब हम इसे राइट या लेफ्ट में घुमाते हैं तो ये ऐसे ऊपर या नीचे आती है और इस पत्ती को दबाती है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये बायोमेटल पत्ती ऐसे बेंड होती जाती है और इस फ्लेक्सिबल पत्ती को ट्रिगर करती है। तो जब ये इसको ट्रिगर करती है तो हीटर ऑफ हो जाता है। तो हम इस नोब के जरिए इस ट्रिगर पत्ती को ही ऊपर या नीचे करके इस ट्रिगर पॉइंट को या तो इस पत्ती के नजदीक ला सकते हैं या दूर ले जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस पत्ती को घुमाकर इस ट्रिगर पॉइंट को 20 डिग्री पे कर दिया है, अब हीटर ऑन होगा, रूम टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और ये बायोमेटल की पत्ती मुड़ने लगेगी। जैसे पत्ती मुड़ते मुड़ते 20 डिग्री पर आएगी और इस फ्लेक्सिबल पत्ती को ट्रिगर करेगी, रूम हीटर ऑफ हो जाएगा, तो रूम का टेम्परेचर फिर से डाउन होने लगेगा। और जैसे ही वो 18 या 19 डिग्री पर आएगा ये बायोमेटल पत्ती वापस अपनी जगह पर आने के लिए सीधी होने लगेगी और इस ट्रिगर को छोड़ देगी। जैसे ही ट्रिगर पत्ती से दूर हटेगी हीटर फिर से ऑन हो जाएगा और रूम टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। और फिर से जैसे ही बढ़कर 20 डिग्री के आसपास पहुंचेगा ये बायोमेटल पत्ती फिर से उसको ट्रिगर कर देगी। तो इस तरह से ये रूम टेम्परेचर को 20 डिग्री के आसपास ही मेंटेन करके रखेगा। इस नोब को घुमाकर इस लिमिट को हम यहाँ 25 डिग्री पर भी ला सकते हैं और नीचे 15 डिग्री पर भी ले जा सकते हैं। तो ये थर्मोस्टेट इस तरह से काम करता है रूम हीटर में। ये एलिमेंट की हीटिंग को रेगुलेट नहीं करता, ये ऑन ऑफ करके रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो यही वजह है कि जब हम हीटर को परचेज करके लाते हैं तो हो सकता है उसकी नोब मिनिमम टेम्परेचर पर हो, जब हम इसे ऑन करते हैं और हीटर ऑन होता है तो एलिमेंट पूरी हीटिंग देता है, तो हम देखते हैं हीटर हीट तो पूरी दे रहा है तो उसको हम चलाकर छोड़ देते हैं।
लेकिन वो जो मिनिमम टेम्परेचर पर नोब है उतना टेम्परेचर तो थोड़ी देर में ही अचीव हो जाएगा और हीटर बंद हो जाएगा। तो हम इस नोब को ऑन या ऑफ से जोड़कर नहीं देखते। ज़्यादातर यूज़र ये मानते हैं कि ये हीट को कम या ज़्यादा करने के लिए है। तो अगर आपका हीटर भी ऐसे बार बार कट ऑफ होता है तो आप इस नोब को फुल पर करके ज़रूर देखें। अगर फिर भी बार बार कट ऑफ होता है तो फिर आप फ़ैन की स्पीड को देखें कि वो नॉर्मल है या फ़ैन कहीं जाम होके तो नहीं घूम रहा। इसके लिए हीटर को ऑफ करके फ़ैन को हाथ से घुमा कर देखें। अगर वो बिल्कुल फ्री घूम रहा है इसका मतलब फ़ैन ठीक है। अगर फ़ैन ठीक है तो हो सकता है कि थर्मोस्टेट के कनेक्टिंग पॉइंट पे कार्बन जमा हो, तो आप इसको सैंड पेपर की मदद से क्लीन करें। अगर तब भी ये बार बार कट ऑफ हो रहा है तो फिर थर्मोस्टेट को बदलना पड़ेगा। अगर बहुत इमरजेंसी हो और उस टाइम आपके पास थर्मोस्टेट ना हो या बदलना पॉसिबल ना हो, तो आप थर्मोस्टेट के इनपुट पॉइंट और आउटपुट पॉइंट के बीच में एक वायर कनेक्ट करके इनको आपस में जोड़ सकते हैं। इससे हीटर ऑन हो जाएगा और आपका इमरजेंसी में काम चल जाएगा। लेकिन इसके बाद आपको उसे खुद ही मॉनिटर करना होगा कि वो ओवरहीट ना हो। ऐसे आप रूम का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाकर हीटर को बंद कर दें। और हीटर को चलाकर सोना तो बिल्कुल नहीं है। जितनी देर भी चलाएं अपने सामने ही चलाएं, ताकि कोई प्रॉब्लम दिखने पर आप उसे तुरंत बंद कर सकें। और फिर जल्दी उसे ठीक कर लीजिए या किसी मैकेनिक से ठीक करा लीजिए। इसके अलावा एक कमेंट यह भी है कि जब हम हीटर को सेकेंड पॉइंट यानी दोनों हीटर पर चलाते हैं तो बार बार कट ऑफ हो जाता है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और यूजफुल वीडियो देखने के लिए। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। दोस्तों, इसके लिए यहाँ पर देखिए हीटिंग एलिमेंट के ठीक ऊपर एक थर्मल कट ऑफ लगा हुआ है। ये भी थर्मोस्टेट की तरह ही काम करता है, बस ये थोड़ा हार्ड है। इसको डिस्कनेक्ट होने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है। ये सभी ब्लोअर वाले हीटर में होता है। ये इसलिए होता है कि अगर कभी ये फैन खराब हो जाए या कभी कभी हम बिस्तर के बिल्कुल पास में हीटर को रख के सो जाते हैं, ऐसे में उस पर कोई ब्लैंकेट या कपड़ा गिर जाए जिससे इसके अंदर आने वाली हवा रुक जाती है या कम हो जाती है, जिससे हीटर को पूरा एयर फ्लो नहीं मिल पाता। ऐसे में थर्मोस्टेट भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो बाहर से आने वाली हवा के टेम्परेचर को ही सेंस करता है। ऐसे में एलिमेंट के इस एरिया में हीट बढ़ने लगेगी। ऐसे में थर्मल कट ऑफ सिस्टम एलिमेंट की सप्लाई को कट कर देता है। इसके फॉल्ट में सबसे पहले वही आप एयर फ्लो को चेक करेंगे कि एयर फ्लो ठीक है या नहीं, क्योंकि उसी फ्लो के साथ हीट बाहर निकलती है। अगर ये एयर फ्लो सही नहीं होगा तो हीट अंदर ही इकट्ठा होने लगेगी, जिससे थर्मल कट ऑफ बार बार कट होता है। इसके अलावा इसके कनेक्टिंग पॉइंट में भी कार्बन आ सकता है, आप उसको भी क्लीन करके देखें। अगर ये फिर भी बार बार कट ऑफ हो रहा है और आपको लग रहा है कि एलिमेंट उतने हीट नहीं हो रहे कि कोई दिक्कत हो, तो थर्मल कट ऑफ पर इस होल के जरिए आने वाले हीट को आप कम कर सकते हैं। इसके लिए आप एल्यूमिनियम या लोहे की एक पत्ती लीजिए। उसे बिल्कुल इस पत्ती के साथ अटैच करते हुए मोड़ दीजिए। देखिए ऐसे। अब इसको स्लाइड करके आप जितनी हीट को ऊपर आने से रोकना चाहें रोक सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि थर्मोस्टेट से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम में ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और यूजफुल वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, अगर कोई पार्ट्स आपको आपके लोकल मार्केट में ना मिल पाए तो सभी के परचेजिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से भी इनको मंगवा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।